हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। आज बात करेंगे सैमसंग की एम सीरीज़ के बारे में। यस, एम सीरीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। बजट सीरीज़ में सैमसंग ने बहुत ही ज़बरदस्त एक सीरीज़ निकाली थी, एम सीरीज़। ए सीरीज़ भी आती है इसके बाद। ये बहुत अच्छी सीरीज़ है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही है। इसके फ़ोन्स M30S और M31 बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छे मार्केट में हाइप बन रखी है। तो लेकिन आज अभी जो हम प्रोडक्ट की बात करेंगे वो है M31S। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, M31S लॉन्च होने वाला है बहुत ही जल्दी। तो इसके कुछ कंफर्म लीक्स हमारे पास आए हैं एंड कुछ रूमर लीक्स भी है, लेकिन जो इसकी कंफर्म स्पेसिफिकेशंस है वो उसके बारे में बात करेंगे। तो वो क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई डिले किए हुए। सो उनके जो कंफर्म लीक्स है, सबसे पहले प्रोसेसर की बात करेंगे। प्रोसेसर होने वाला है सेम एम सीरीज़ का जो बाकी फ़ोन्स में आता है, 9611। सेम ओल्ड प्रोसेसर। अभी चलो ये बहुत ही ज़्यादा डाउनग्रेड नहीं है, बहुत अच्छा प्रोसेसर है, बहुत अच्छे चीज़ें हैंडल करता है। क्योंकि सैमसंग ने इसके अपने जो सॉफ्टवेयर हैं ओरियो वन UI बड़े अच्छे से ट्विक किया हुआ है, तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। और इसको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये अच्छा प्रोसेसर नहीं है, या कुछ लोग बोलते हैं कि यार कुछ मज़ा नहीं आ रहा। मुझे पता नहीं वो क्या चाहते हैं एक बजट फ़ोन से, लेकिन बजट फ़ोन में ये बहुत अच्छा कंपटीशन देता है एज़ पर स्नैपड्रैगन के जो प्रोसेसर्स हैं उनको। हाँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे है जो अपने मैच मार्क्स में आती है, होगी अपने प्रोसेसर की बात। बाकी इसकी बात करते हैं नेक्स्ट। इसके रैम होने वाली है 6GB एंड 8GB। स्टोरेज होने वाली है 128GB। तो ये बहुत ही अच्छी होने वाली है। और इसका बजट के बारे में एंड में बात करेंगे। तो बाकी इसके डिस्प्ले की बात करते हैं। डिस्प्ले इसका होने वाला है 6.5 इंच का, 407 PPI के साथ। इसकी पिक्सल पर इंच जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही बेस्ट होने वाली है। कैमरा है फ्रंट कैमरा, यस, जो इसका डिस्प्ले में कटआउट होने वाला है वो इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले होने वाला है। तो बहुत ही अच्छी होने वाला है, वो मुझे बहुत ज़्यादा बेस्ट लगता है। जैसे इसके A51 में, A71 में या जो S20 सीरीज़ में है वो बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो अभी बजट उसमें भी ला रहे हैं, तो बाकी मुझे बताइएगा आप कैसे लगते हैं आपको इसके बारे में। और ये बाकी बात करते हैं कि इसके रिफ्रेश रेट का क्या है। रिफ्रेश रेट का कुछ भी कंफर्म नहीं है, मुझे नहीं लगता है 60Hz से ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि सैमसंग ऑलरेडी बजट रेंज में ज़्यादा कुछ करता नहीं है रिफ्रेश रेट का। क्योंकि ये रिफ्रेश रेट को हमेशा एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले के नीचे ये ढक देता है, क्योंकि इनका जो सुपर एमोलेड स्क्रीन है वो बहुत ही दी बेस्ट बजट रेंज में स्क्रीन है। तो ये डिस्प्ले जो नेटफ्लिक्स देखते हैं या बिंज वॉचर हैं उनके लिए बहुत बेस्ट होने वाली है। बाकी मूव करते हैं कैमराज की तरफ। तो कैमरा इनका अगर बैक एंड जो कैमरा इसका जो मेन हाइप है, जो क्योंकि इन्होंने कैमरा सेंट्रिक फ़ोन निकाला है, तो कैमरा सेंट्रिक फ़ोन होने के लिए इनका अपने 64 मेगापिक्सल का एक इनका GW1 सेंसर है। देखते हैं लाइट आज ऊपर नीचे हो रही है, सो इग्नोर कीजिए। सो बैक टू कैमरा, जो रियर कैमरा होने वाला है ये है 64 मेगापिक्सल का होने वाला है। ये बहुत ही अच्छा कैमरा होने वाला है, एंड क्योंकि ये अपना सैमसंग का अपना एक सेंसर है ISOCELL GW1, तो ये बहुत अच्छा सेंसर है। तो फोटोग्राफी में इसमें कोई इश्यूज नहीं आने वाले है। बाकी सेकेंडरी कैमरा की बात करें, 12 मेगापिक्सल का वो अल्ट्रा वाइड कैमरा होने वाला है, और नेक्स्ट 5 मेगापिक्सल का, और जो फोर्थ कैमरा होगा वो भी 5 मेगापिक्सल का होगा मैक्रो शॉट्स के लिए। तो ये जो क्वाड कैमरा सेटअप है बहुत ही बेस्ट होने वाला है। बाकी अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो होगा 32 मेगापिक्सल का, उससे कोई इश्यूज नहीं है। सैमसंग के कैमरा से बेशक ही बजट हो या इनके जो हाई एंड फोन्स हो या मिड रेंज हो, सब में ही अच्छे, कोई इशू नहीं होने वाला है। और ये जो फ़ोन है वैसे भी कैमरा सेंट्रिक ही है, और इसमें आपको जो सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम में क्लिक्स करते हैं या बाकी जो है उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट होने वाला है। तो ये एटलीस्ट उनको ही कंसिडर करना चाहिए, बाकी भी कर सकते हैं, कोई इशू। सो अभी नेक्स्ट बात करते हैं बैटरी की। बैटरी होने वाली है वही ह्यूज 6000 mAh की बैटरी, जो ऑल डे लॉन्ग आपका साथ देगी। चाहे आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, चाहे कहीं भी जा रहे हो, तो ये आपको एटलीस्ट चार्जर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे अगर चार्जर की बात करें तो इसके जो लास्ट व्यूअर्स हैं, जो लास्ट M31 या अपने 30S के साथ हैं, उनको लगता है कि थोड़ी फास्ट चार्जिंग नाम से ही है, स्लो चार्ज करती है, टाइम लेती है काफ़ी, क्योंकि बैटरी बहुत बड़ी है, तो सवा दो घंटे का टाइम लेती है। लेकिन ये जो अभी इन्होंने इस चीज़ को कंसिडर करा है सैमसंग ने, इसको देखते हुए उन्होंने अभी 25W का एक फास्ट चार्जर आएगा न्यू, तो थोड़ा आपको उससे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। एंड अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो वो बैक के हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी जो कन्फर्म्ड इसकी पिक्स आई हैं और अमेजोन पे भी दिख रहा है, तो उसके पीछे कोई हमें जो इसके अभी रिसेंट जो फ़ोन लॉन्च हुए थे एम सीरीज़ के, उनमें जो फिंगरप्रिंट सेंसर था वो पीछे था, अभी वो पीछे नहीं दिख रहा है। तो या तो फ्रंट में होने वाला है, या तो वो साइड माउंटेड जो पावर बटन पे है वो होने वाला है। तो अभी इसके बारे में थोड़ी श्योरिटी कम है, पर बाकी चीज़ें कन्फर्म्ड है, चाहे वो बैटरी की हो, चाहे प्रोसेसर की हो, चाहे रैम की हो, चाहे कैमराज की हो। तो अभी नेक्स्ट जो अभी एक सबसे फेवरेट चीज़ है वो बजट रेंज में होती है, क्योंकि कुछ चीज़ों में कुछ कंपनीज ने, चाहे वो
चलो उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने निराश करा है 3.5mm जैक के साथ, तो ये इसमें 3.5mm जैक होने वाला, ये भी कन्फर्म। सोवा की प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस 18,000 से लेकर 21,000 के बीच ये लॉन्च होगा, क्योंकि इसके दो वेरियंट आएंगे और कलर इसके ब्लैक एंड व्हाइट एंड ब्लू एंड व्हाइट ये कन्फर्म चीज़ है, इन दो कलर ऑप्शन में लॉन्च होगा, तो ये दे बेस्ट चीज़ होने वाली है इन दोनों चीज़ों में। तो आपको कैसा लगा ये हमारा आज का वीडियो, बाकी आप एम सीरीज़ में और क्या एक्सपेक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू ए सीरीज़, तो आप ये कमेंट में ज़रूर लिखिए। बाकी अगर और कि हमें कन्फर्म लीक्स मिलती हैं या और भी चीज़ें हमारे नज़र में आती हैं, रिसर्च में आती है, तो डेफिनेटली हमारे न्यूज़ राउंड अप में ये चीज़ लेके आएंगे, तो स्टे ट्यून्ड। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए, बाकी देखते रहिए टेक साइफर न्यू वीडियोज़ के लिए, बेल आइकॉन दबाइए और मिलते हैं, बाय।